गई है कयामत की रात। मैं हूँ नागिन। इसी शिव मंदिर में परसों पहले एक इच्छाधारी नागिन की हत्या हुई थी, उसी की बेटी है। अपने माँ बाबा का इंतकाम लेना चाहती है। आप आशीर्वाद दें ताकि इसका इंतकाम पूरा हो। ये क्या योगीराज, हमने तो आपसे कहा था कि आप ऐसा वरदान दें जिसमें शिवन्या अपने माँ बाबा का इंतकाम ले सके। उसके जीवन का एक ही लक्ष्य है, अपने माँ बाबा का इंतकाम लेना। पर ये क्या, ये कैसा वरदान? ये वरदान हमने नहीं दिया है, ये वरदान तो शिव जी ने दिया है। तुम जिस राह पे चल रही हो वो राह भी तो शिव जी ने ही दिखाई है। अब वो राह प्यार की है या प्रतिशोध की, ये तो शिव जी ही जाने। तुम जानते हो हम वही बोलते हैं जो शिव जी हमसे बुलवाते हैं। अभी अभी शादी हुई है इसकी, शिव जी ने यही वरदान दिया है इस नई दुल्हन को। यही इसका भाग्य है और यही सौभाग्य। जोड़ियां भी वही बनाते हैं और शादियां भी वही रचाते हैं, हमारे आराध्य शिव जी। इसकी शादी भी तो उन्हीं की इच्छा से हुई है, इसने जिस साथी का चयन किया है उसे भी तो उन्होंने ही किया है। अब होनी जो भी हो, अनहोनी से तुम्हें ही बचाना है उसे, और हरकाल से बाहर तुम्हें ही निकालना है उसे। शिव जी का आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। हम सोचते रह जाते हैं पर होता वही है जो शिव जी चाहते हैं। अब आगे भी उन्हें ही सोचने दो, उन्हें क्या करवाना है। 5 पापियों से प्रतिशोध या फिर इसका सौभाग्य बचाना है। बुलाने से बेड भी आ जाता है। वाह, चल अमृता अब सो जा, बहुत रात हो गई है ना। वाह, आई मेरा बेड इतना सॉफ्ट सॉफ्ट क्यों है? ये मेरे बेड में ऐसे ऐसे कोई हवा क्यों भर रहा है? ये देखो। रात को 4 बजे पानी लेने जाओ तब भी दारू। क्या हुआ, कुछ भूत भूत देख लिया क्या? क्या सांप? कम ऑन यार दी, रात को इतना पियोगी तो 4 बजे आपको सांप ही दिखाई देंगे ना। मैंने देखा था सांप, मैं होश में थी, तुझे यकीन नहीं आ रहा ना? चल। अरे दीदी क्यों सुबह सुबह आप? दीदी आपको ये सांप लग रहा था? सांप था? अपने था दीदी, वोडका थी, वोडका। सांप, सांप।
कि वरदान तो शिव जी ने दिया, इसकी शादी भी तो उन्हीं की इच्छा से हुई है। इसने जिस साथी का चयन किया है उसे भी तो उन्होंने ही किया। अनहोनी से तुम्हें ही बचाना है उसे, और हर काल से बाहर तुम्हें ही निकालना है उसे। अब आगे भी उन्हें ही सोच लो उन्हें क्या करवाना है, आज पापियों से प्रतिशोध या फिर इसका सौभाग्य बचाना। मुझे ये करना ही होगा। अकेला आदमी नींद में मिला तो उसकी इज्जत लूटने लग गई तुम। वो नींद में क्या क्या किया मेरे साथ, सच सच बताओ। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। वो आप सो रहे थे और मैं आपको देख रही थी, फिर पता नहीं मेरी आंख कैसे लग गई और मैं कब आपके मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि तुमने मेरा नाचाज फायदा उठाया। नहीं नहीं, कसम से मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। थैंक गॉड, वरना मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता। देखो कितना लाल हो गया है, मुझे लगता है तुम सोते सोते है ना मुझ पे सो गई। पिलो समझ के नहीं? अरे मजाक कर रहा हूं तुम्हारे साथ। तुम्हारे साथ कोई मजाक नहीं करता क्या? नहीं, तुम्हारे साथ कभी किसी ने मजाक नहीं किया। मैं जा रही थी, वहां मजाक नहीं होता। लगता है रात की ना उतरे नहीं होगी, इसने खोल नहीं रहा। ऋतिक दरवाजा खोल। अरे भैया